मास्क पहन के आया हूँ, प्रॉपर प्रॉपर मास्क पहन रहा हूँ, ठीक है ना। इसे मुझे कुछ भी मत बोलना। नज़ारा देखो आप लोग, ये देखो बच्चा कितना बढ़िया से पानी पी रहा है। नाइस, एक बच्ची दूध पी रहा है। मैं भी जा रहा हूँ टाउन चापाखोवा, बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है आपका अभी 8:37। ये देखिए नज़ारा क्या है। कितना बड़े लग रहा है नज़ारा, ये तो आ रहा है। पानी में चलने का मज़ा अलग है ना, एक्सपीरियंस ही तगड़ा है। तो ज़्यादा है क्या पानी यार, यार लंपन दिखना मत यार। अरे बाप यार, ठीक है ना, देखिए मज़ा से। वाह, पर नदी है यार, प्रॉपर नदी है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा नाइस, मैं इधर बारिश गिर के पूरा ऐसा हो गया ना। ये हमारे इधर का कब्रिस्तान चापाखोवा में टाउन का, और ये नज़ारा देखिए। वो लॉकडाउन में घर में होगा ना, तो देखिए बाहर का नज़ारा कैसा है। मैं जा रहा हूँ अपना टाउन चापाखोवा, बहुत दिन के बाद। आप देखिए रास्ता कैसा है, 5-6 महीना हो गया कम से कम नहीं किया होगा। रास्ता का हालत तो ऐसे ही, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ जाने की। सब नज़ारा जैसे कैसे ही। अरे बाप रे, कुछ सामान लाना था, फिर जा रहा हूँ बाजार में। देखते हैं क्या क्या होता है टाउन में, ठीक है। मैं तो आपको चापाखोवा टाउन शेयर करके लाता हूँ। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। मैं बड़ा दौड़ते हुए जा रहा हूँ, मतलब 11 बजे तो सारे कुछ पानी हो जाता है बोला, ठीक है ना। अभी टाइम पता दिखा दिया मैंने, 5:45 हुआ है। स्पीड जा रहा हूँ, एक मिनट की दूरी और बता सकता हूँ। रास्ता कहाँ जा रहा हूँ, जोड़ते हुए जाना जा रहा हूँ। मुझे एक गाड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। देखते चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा रास्ता अच्छा हो गया तो इसलिए थोड़ा समय इसको ऑन कर दिए। ये मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ, पूरा सांस लेने की बता रहे हैं, तकलीफ होती है मुझे। कॉर्नर नहीं है यार, ऐसे तकलीफ होती है, स्पीड दौड़ दौड़ा ना इसलिए। ये चापाखोवा पहुँचने वाला हूँ मैं, पक्का पुल पहुँचने वाला हूँ, पक्का पुल पहुँचे फिर आपको होगा होगा नज़ारा कैसा है। दौड़ने का ट्राई कर रहा हूँ। चापाखोवा का नज़ारा देखिए कैसा है, चारों तरफ पानी पानी। पक्का पुल यहाँ टाउन के पास में पक्का पुल पहुँचने वाला, और ये बब्बू गाड़ी इतना तेज जा रहा है। देखिए मैं आप लोगों को भी देखिए चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वहाँ पर देखिए प्लीज प्लीज और बैठा प्लीज, ठीक है ना। आगे एक तो
रुकते हैं, इसको रुकाते हैं, रुकता ही नहीं, रुकते यार। लेकिन मुझे गाड़ी मिल गया, बढ़िया हो गया। ये गाड़ी थी अचानक में पड़ गया ना सीधा आके जिप्सी गाड़ी रुकता है, कैसा लगता है पता है ना आप लोगों को। हिट यार, एक्सपीरियंस अलग ही था, मतलब उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो, लेकिन कैसा लग रहा था मेरे को, अजीब लग रहा था, मतलब जैसे अजीब, बिल्कुल अजीब। अभी मैं घर के आ रहा हूँ टाउन से, देखिए टाउन का नज़ारा तो इतना अच्छे से नहीं दिखा पाया, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा आपको दिखाने के लिए, दिखा दिया जितना सकता था। पता है पुलिस कितना था आपको पता है ना, और फिर हमको पुलिस से बहुत डर लगता है ना, इतना पीटा करता है यार। सामान भी लेके आया हम, घर की भी आ गया, चलिए चलते हैं घर की तरफ। चलो
नदी के किनारे में बैठ के पार्टी खाने का मज़ा अलग है, बोलने भी नहीं होगा। पार्टी खाने तो नहीं आया लेकिन यार वो दिन क्या था और आज का दिन क्या है। क्या धूप है यार, कितना ख़तरनाक धूप। ये देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है यार। इसको इस तरफ घुमाते देखते हैं। ये देखिए कैसे चल रहा है, इतना धूप में, इतना धूप में चलने के लिए बहुत मुश्किल है। आपको बता नहीं सकते कितना गर्म हो रहा है मेरे को। नदी आ गया मेरे को, हिंदी थोड़ा सा अच्छा लगता है, हिंदी में कुछ बोलने के लिए थकान थकान इतना देर चलना पड़ता है पैदल। जिसको पता है वो तो पता है, पता नहीं है पता चलना चाहिए ना। हमारा माज गाँव कितना खतरनाक गाँव है, खतरनाक होता सुंदर गाँव है, क्या बोलूँ। तो कुछ बोलने वाली चीज़ है ही नहीं। गर्मी क्या करे, इतना मजा आता है एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, इतना मजा आ रहा है। मेरा चेहरा देखो ना, नहीं है लेकिन फिर जंगल है बहुत ज़्यादा। चलो चलते आगे, इस नदी को पार होकर जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे बताएंगे आप? नहीं रास्ता दूसरा है, इधर इधर नहीं है, इधर है रास्ता। अरे यार कीचड़ कितना ज़्यादा है, देखते चलो। देखो गांव का कीचड़ कैसा होता है, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कीचड़ होता कैसा है दिखाता हूँ आपको, सारे टाउन का आदमी दिखाने है कीचड़, मैं दिखा रहा हूँ कीचड़ कैसा होता है। इसमें चलने में मज़ा आता है ना, ये देखो इससे ऐसे ऐसे चलना पड़ता है। तो बहुत कम कम मात्रा में कीचड़ है लेकिन बेंगलोर में रहने वाला भाई वो भी देखो हमारा वीडियो, ठीक है यार। अरे यार ये वीडियो तो अभी जितने भी लोग देख रहे हैं सबको थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। आपको दिखाते रहूँगा, इससे अच्छा अच्छा चीज़ दिखाऊंगा। और इतना अच्छा हिंदी बोलने तो नहीं आते फिर भी, लेकिन मेरे को अच्छा हिंदी बोलने में अच्छा लगता है, ट्राई कर रहा हूँ सीख रहा हूँ। हिंदी हमारा मातृभाषा है ना, तो इसको सीखने में कोई हर्ज नहीं है। किसी को अगर गलत लगता है तो लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। देखिए हमारे गाँव में कितना ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है इस तक गाँव में भी लाइट आ रहा है, देखो इस गाँव में इतना खराब रास्ता है। बीजेपी सरकार ने लेकिन कर दिया रहे, देखिए सरकार से मतलब नहीं लेकिन फिर भी
लीची शक्कर आने के बाद कुछ हुआ है मतलब काम को, ये शक्कर से मतलब ही नहीं चाहे लीची भी हो चक्कर में हम इसे क्या लेंगे, फिर भी मतलब बता रहा हूँ ऐसे अच्छी बात हूँ हम उसे निकलते ही है। जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए बोलता हूँ प्राइवेट लिमिटेड मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इतना कीचड़ ऐसा होता है कीचड़ चलना पड़ता है इस तरह से। मैं आपको थोड़ा सा पोस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे गांव का आदमी बोल देगा ना कि हम पगला हो गया बोल रहे कहीं बोलने दे सर कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को दिखाना है एक बड़ा सा बर्ड का पेड़ रास्ता वहाँ पे जाना पड़ेगा जा रहा हूँ अभी थोड़ा थोड़ा आगे तो चलते हैं कहाँ पहुँचना है देखते हैं यहाँ बहुत जगह है। ओह माय गॉड इतना गर्म। एक दोस्त का घर आने वाला है और मैंने साइकिल रखा है एक साइकिल को पिकअप करते फिर साइकिल में चलते थे ब्लॉग बनाते अभी हम लोग फर्स्ट टाइम साइकिल से ब्लॉग बनाएंगे ठीक है। गिरेगा तो पता नहीं अभी लेकिन ब्लॉग बनाएंगे जरूर हमारा गांव का ब्लॉग बनाएंगे। साइकिल चलते नहीं खराब हो गया चक्के भी उल्टा घूर रहे थे Yeah.
चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना वीडियो को भी। ये देखो फर्स्ट टाइम देखो ब्लॉग माजगाँव और सदिया का। थैंक यू, घर पहुँच गया मैं, घर पहुँच गया।